पूरी 9 मंथ्स हमें बहुत ध्यान रखते हैं, हमारे घर परिवार वाले, फ्रेंड, सब लोग हमारे मनपसंद का खाना बनाते हैं, हमें बहुत पैम्पर करते हैं कि वाओ यू आर प्रेग्नेंट नाउ, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, यू शुड नॉट डू दिस। पर अब जो समय आता है पोस्ट डिलीवरी का, जब आपका बंडल ऑफ जॉय, आपका स्पाइडरमैन, आपका या तो फ्रोजन एंजल, जो भी आपका है, अब वो आपके घर आ चुका है, एंड नाउ यू आर फुल ऑफ जॉय। नेक्स्ट, तो इस समय में आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, जो आप शादी से लेके या फिर शादी के बाद जो भी आपके सपने हैं अपने बेबी के लिए, अपने मन में जो सपने सब संजोए थे, अब उनको सच करने का टाइम आ गया। अब सच करने के टाइम पे थोड़ी बहुत परेशानियां भी होती है, तो इन परेशानियों को कैसे हम टैकल करें? जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, जैसे कि बेबी की केयर, खुद की केयर, और भी बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे, डाइट के बारे में या फिर कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में या पोस्टपार्टम ब्लूज के बारे में, तो एक एक चीज करके हम इसमें बात करेंगे आज। नेक्स्ट, सो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कोई चीज है, आपको पता है कि आप ये कर सकते हो, तो वो मन में जो आपको विश्वास रहेगा, आप अपने इतने प्यार से अपने बेबी को, उसको बिल्कुल भी एक इतनी सी खरोच भी आपको अच्छी नहीं लगेगी कि उसके उसको तकलीफ हो या बच्चा रोए या उसे कोई परेशानी हो। तो अगर आप पहले से ही सारी चीजें पता कर ले, जान ले कि हमें कैसे केयर करनी है, बेबी की भी कैसे केयर करनी है, खुद की भी कैसे केयर करनी है, तो आपके मन का जो फियर है, जो एंजाइटी है, वो पूरा निकल जाएगा, एंड योर स्पाइडरमैन और योर फ्रोजन या फिर आप जो भी अपने बेबी को प्यार से बुलाते हैं, वो भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि 9 मंथ्स तो आपका पूरा ध्यान, फैमिली का ध्यान आपके ऊपर रहता है, और जैसे ही डिलीवरी होती है, सारा ध्यान जो होता है वो मदर से बेबी पे शिफ्ट हो जाता है, एंड मदर फील्स कि मदर का जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है या फिर एक मन में एक तनाव हो जाता है कि मैं मेरे बच्चे का सही से ध्यान रख पाऊंगी कि नहीं। बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, बहुत सारे ये मिलते हैं कि आप ये करो ये नहीं करो, तो वो उन सब चीजों में क्या सही है क्या गलत है, ये आज हम देखेंगे। सब जब आपकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, या हॉस्पिटल में अगर आपकी डिलीवरी के समय कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि ज्यादा ब्लीडिंग होना या फिर फीवर आना या इन्फेक्शन होना या वुंड में इन्फेक्शन होना, जैसे अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो स्टिचेस में कभी पेन हो सकता है या फीवर आ सकता है या फिर कुछ नसों में ब्लॉक हो सकता है, तो ऐसी अगर कोई चीजें हैं तो आपका वहां से डिस्चार्ज का समय जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ब्लड लग सकता है या बीपी बढ़ सकता है या शुगर का कुछ प्रॉब्लम अगर पहले से है, तो वो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, तो उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना होता है। नेक्स्ट, एक पेशेंट की मैं बात करूंगी यहाँ पे, कि एक पेशेंट थी जिनको डायबिटीज था, एंड शी डिलीवर्ड हैप्पीली, शी डिलीवर्ड फुल टर्म बेबी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा वेट, बट प्रॉब्लम कहाँ आई कि वो लॉकडाउन में थे, लॉकडाउन में उनका डिलीवरी हुआ, एंड डिलीवरी के टाइम पे उनके पास कोई भी नहीं था, जो उनकी मदर इन लॉ या मदर आने वाले थे वो सब आ नहीं पाए, तो ऐसे में शी वॉज वेरी एंक्शियस कि अब मैं अकेले कैसे कोप करूंगी, मैं कैसे अकेले बेबी का ध्यान रखूंगी घर जाके, व्हेन हाउ आई कैन टेक केयर ऑफ माय बेबी। तो ऐसे में अगर आपको पहले से इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हो कि आपको खुद का ध्यान कैसे रखना है, तो वो बहुत काम आएगा। हमने उनको बहुत अच्छे से समझाया। नेक्स्ट स्लाइड, एंड व्हेन टू कम फॉर पोस्टपार्टम विजिट, कि आपको डिलीवरी के बाद कब आना है, कब आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है, कब आपका शुगर लेवल्स चेक करना है, आपको डाइट में क्या क्या लेना है जो कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग को भी अफेक्ट ना करे और आपको भी, आपकी न्यूट्रिशन को भी अफेक्ट ना करे, ना कि आपके ब्लड शुगर को भी अफेक्ट नहीं करे, तीनों चीजों को बैलेंस करके आपको कैसे रहना है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ने की तकलीफ हो या प्रेगनेंसी में कन्वल्शंस आए हो या थायराइड हो या कुछ भी ऐसी अगर कोई चीज हो, तो वो पोस्ट डिलीवरी आपको ध्यान देना है। कई पेशेंट्स जो होते हैं वो
भूल जाते हैं, अपने अपना ध्यान रखना ही भूल जाते हैं, वो सिर्फ बेबी का ध्यान रखने में लग जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो आप अपने बच्चे का भी ध्यान अच्छे से नहीं रख पाएंगे। जब हम पोस्टपार्टम विजिट, मतलब जब आपके आफ्टर 7 डेज या आफ्टर 4 to 6 वीक्स जब आप रिपीट चेकअप के लिए जाते हैं, तो आपकी ये सारी चीजें चेक होती है। वुंड केयर होता है कि अगर आपके स्टिच में कोई प्रॉब्लम है, या आपको आयरन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं जो कि आपने 3 to 4 मंथ्स के लिए लेने चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, या फिर टीयर है, या फिर कुछ ऐसा है कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, तो वो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। ब्लीडिंग ज्यादातर 4 to 6 वीक्स में कम हो जाती है। इट डिपेंड्स कि किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा लंबी चलती है, बट इट जो ब्लीडिंग होती है उसे लोकिया कहते हैं। तो लोकिया, रूब्रा, अल्बा एंड देन इट डिजॉल्व्स जो व्हाइट डिस्चार्ज के रूप में, फिर वो कम कम होता जाता है। फिर हम बात करेंगे वैक्सीनेशंस की। कुछ कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो कि डिलीवरी के बाद दे सकते हैं, या देना ही चाहिए, जैसे कि MMR होता है, या फिर वेरिसेला होता है, या फिर अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो वो बेबी का ब्लड ग्रुप चेक करके उन्हें एंटीडी भी दिया जाता है। एक डोज हम 7 या 8 मंथ में ऑलरेडी लगा चुके होते हैं, एंड सेकेंड डोज आफ्टर सीइंग द ब्लड ग्रुप ऑफ द बेबी। इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द बेबी इज पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, देन वी विल गिव अगेन अ नेक्स्ट डोज विद इन 72 आवर्स ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं, जब आपके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है देन यू कम होम। एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस, जैसे हमने अभी बात की कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर हुई है, ब्लड की कमी है, सिकल सेल है, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई है, या कभी कभी बहुत सीरियस मेडिकल या ब्लीडिंग का इश्यू हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया है, एक्रीटा है, या फिर ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिन्हें कि हम उस टाइम पे बहुत ज्यादा पेशेंट उस कंडीशन में नहीं रहता है, तो आफ्टर दिस एट दिस विजिट वी डिब्रीफ देम कि हम उन्हें पूरा इस समझाते हैं कि अभी आपको ये तकलीफ हुआ था, और अब आपको आगे की प्रेगनेंसी में या आगे चल के आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे रीनी के केस में, शी वॉज ए पेशेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, सो शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ हर ब्लड शुगर लेवल, शी नीड्स टू चेक इट रिपीटेडली, और उन्हें अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है तो दे उस उनके चांस है कि आगे भी उनको डायबिटीज, 50% चांस होता है कि आगे उनको डायबिटीज डेवलप हो जाए, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ना हो, वो बाकी आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो ऐसे ही अगर सिकल सेल डिसीज है, या थैलेसीमिया है, या फिर जैसे कि कुछ वेसिकुलर मोल है, जिसमें कि पोस्ट डिलीवरी केयर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, मॉनिटरिंग की बहुत जरूरी होती है। कई बार एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होता है, तो उस बारे में भी हमें बात करनी होती है। अगर कन्वल्शंस आते हैं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लानिंग में, या रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं तो उसमें भी हमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए पेशेंट को कई बार रिपीटेड चेकअप्स के लिए, या फिर कुछ मेडिसिन के लिए, या एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उन सब चीजों के लिए हमें मेडिसिन पहले से स्टार्ट करनी होती है। कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनमें कि SLE जो सिस्टमिक ल्यूपस इरेडेमाटोसिस या ल्यूपस नेफ्राइटिस होते हैं, उनमें भी डिलीवरी के बाद उनकी मेडिसिन चेंज करनी होती है, या हार्ट डिसीज वाले पेशेंट्स की भी मेडिसिन कुछ चेंज करनी होती है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना होता है। तो ऑल दिस कॉम्प्लिकेटेड केसेस नीड टू बी इवेल्युएटेड, री इवेल्युएटेड बाय स्पेशलिस्ट ऑल्सो, कि गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ आपको अपने स्पेशलिस्ट को भी, सुपर स्पेशलिस्ट को भी दिखाना चाहिए। तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपका एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ है तो आपको पोस्टपार्टम भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, सो नाउ घर आ गए हैं, अब घर पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है। डॉक्टर तो आपके पास आ नहीं सकते कि आपको डेली आपको गाइड कर सके, और पर हमारे यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं इंडिया में, वी हैव अ वेरी गुड सपोर्ट एट होम, जिसमें कि हमारी दादी, भाभी, नानी, मौसी, पड़ोसी, फ्रेंड्स, दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल, दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल इन टेकिंग केयर ऑफ द बेबी ऑल्सो और टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। तो आपको सबसे कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम नहीं बोलेंगे कि सारी चीजें हम ये करें, पर हम कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी पोस्ट डिलीवरी पीरियड जो है और हेल्दी हो। सबसे पहला है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, क्योंकि अगर आप फ्लूइड्स लेते हैं बहुत अच्छे से लेते हैं, 3 to 4 लीटर्स अगर लेते हैं, तो फिर आपका
ब्रेस्ट फीडिंग में भी हेल्प होती है एंड यू कैन रिकवर फास्ट। और रेस्ट करने से आपका जो बॉडी में स्ट्रेंथ कम हुई है या थकान है, जो मसल्स है, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो स्ट्रेच हुई है, वो सारी भी एक्टिव उनमें होने में मदद मिलेगी। देन ब्लैडर केयर। ब्लैडर केयर मीन्स इफ यू आर डिलीवर्ड नॉर्मली, वजाइनली अगर आपका डिलीवरी हुआ है तो नीचे एपिजोटमी स्कार हो सकता है, वहाँ पेन हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग का वहाँ पेन हो सकता है, या फिर अगर आपका एनेस्थीसिया दिया है तो आपका एनेस्थीसिया का इफेक्ट जब कम होगा तो आपको पेन हो सकता है, या फिर आपको ऑक्सीटोसिन के जो इंजेक्शन लगते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए जो इंजेक्शन लगते हैं उनका भी एक एंटी डायुरेटिक इफेक्ट होता है, फिर वो इंजेक्शन बंद हो जाते हैं तो आपके यूरिन का जो फ्लो है वो एकदम से बढ़ जाता है। तो ये सब चीजों में कई बार पेन की वजह से या हिमाटोमा अगर बन गया है तो उस वजह से कई बार यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो विद इन 4 आवर्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ट्राई टू वॉइड ऑन योर ओन। अगर आप अपनी हेल्प मतलब सिस्टर की या किसी रिलेटिव की हेल्प लेके आप वॉइड करें विद इन 4 आवर्स ऑफ डिलीवरी तो वो आपको बहुत इजी होगा। और अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होती है देन वी कैन डू सम लाइक हेल्प एंड वी कैन डू हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन एंड वी कैन सी फॉर द रेसिडुअल वॉल्यूम। और अगर इससे भी नहीं होता है तो वी कैन कैथेटराइज, कि हम फिर से कैथेटर डाल सकते हैं। फिर बात आती है वुंड केयर की। नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में नीचे की तरफ में कट लगाते हैं जिसको एपिजियोटॉमी बोलते हैं, जिससे कि बेबी की डिलीवरी हेड की डिलीवरी में इजी हो। तो इसमें सारी पेशेंट्स में डिलीवरी में कट लगाने की जरूरत नहीं होती है, कई कुछ पेशेंट्स में नहीं भी लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर अगर आपने कट नहीं लगाया है या कुछ बेबी का साइज बड़ा है या एब्रप्टली कभी डिलीवर होता है पेशेंट, तो इसमें टीयर हो सकता है। टीयर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट की कितना बड़ा टीयर है। तो वो एक छोटा सा टीयर भी हो सकता है या फिर वो 4th डिग्री मतलब कि वो मोशन के रास्ते एनस तक भी एक्सटेंड कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको स्पेशल केयर उस कंडीशन में भी लेनी होगी। स्टार्टिंग में एपिजियोटॉमी में यू कैन पुट आइस पैक जिससे कि आपको पेन में कमी हो, रिलीफ मिले, और बाद में आप हॉट सीट्स बाथ भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं। अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक मेजर प्रॉब्लम होता है जो कि स्टिचेस को बहुत स्ट्रेन करता है, तो टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन जनरली लैक्सेटिव्स दिया जाता है। और फिर डाइट स्टार्ट करने के बाद भी वी कैन स्टार्ट विथ हाई फाइबर डाइट, जैसे कि अभी हमने बात की कि लिक्विड ज्यादा लेना है, फ्रूट्स ले सकते हैं, बनाना, एप्पल या अनार जो कि बेबी को हार्म ना करे। साइट्रस फ्रूट्स रिकमेंडेड भी है बट कई बार पेशेंट को सूट नहीं करता है तो वी कैन अवॉइड दैट। तो हाई फाइबर डाइट लेना है और लैक्सेटिव्स की हेल्प से हम कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो सिजेरियन सेक्शन में आपको एब्डोमिनल वुंड जैसा ये स्कार यहाँ पे पेट में दिख रहा है, बहुत ही हल्का सा लाइन आजकल आता है एंड वो बहुत ही मिनिमल दिखता है बाद में एंड इट इज वेरी कॉस्मेटिकली एस्थेटिकली इट इज वेरी गुड। वो भी बहुत ज्यादा आपको उसमें केयर करनी नहीं पड़ती है, जस्ट यू हैव टू क्लीन इट एंड एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं तो आफ्टर 5 और 7 डेज यू कैन रिमूव द स्ट्रिप एंड यू कैन क्लीन इट एंड यू कैन वेट इट, मतलब आप नहा सकते हैं, आप पानी लगा सकते हैं, यू जस्ट यू हैव टू कीप इट ड्राई आफ्टर दैट। एम्बुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली एम्बुलेशन आफ्टर डिलीवरी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सीजर हो। अगर आपका अर्ली रिकवरी चाहते हैं तो थोड़ा सा हाथ पैर हिलाना, करवट लेना या चलना, ये बहुत जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हम फॉर विद इन जस्ट आफ्टर डिलीवरी वी कैन मूव द पेशेंट, या फिर थोड़ा सा बाथरूम के लिए उनको चला सकते हैं। तो उससे जो है पैरों में जो नस में ब्लॉक होता है, क्लॉट होता है जिसे कि डीवीटी बोलते हैं, वो नहीं होता है, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। यू कैन हैव ब्लैडर केयर जो बोलते हैं कि आपका यूरिन पास करने में भी आपको हेल्प मिलेगी एंड यू विल फील बेटर, यू विल फील रिकवरिंग। कि अगर आप एम्बुलेट होते हैं तो आपको मन से एक कॉन्फिडेंस आता है कि नाउ यू आर गुड, यू आर नॉट बेड रिडन। तो बेड रिडन होने से भी बहुत कॉन्फिडेंस में कमी आती है। देन कम्स द स्लीप पैटर्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बेबी का जो स्लीप पैटर्न है और हमारा जो बड़ों का स्लीप पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट होता है। टू कोप अप विद दैट आपको बेबी के साथ में
हेल्प की जरूरत पड़ती है कि आपको थोड़ी सी एक साउंड स्लीप मिले, एट अ स्ट्रेच 3 to 4 आवर्स की स्लीप मिले, अदरवाइज बेबी के साथ यू हैव टू बी ऑन द टोज, और ऐसा लगता है कि आप कई सालों से या कई टाइम से आप सोए नहीं है, तो स्लीप पैटर्न स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेल्विक फ्लोर मसल्स ट्रेनिंग या एक्सरसाइज, जैसे अभी हमने बात की कि माइल्ड एक्सरसाइज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वी टीच एक्सरसाइजेस माइल्ड एक्सरसाइजेस इन हॉस्पिटल्स ओनली, तो वो आप वही एक्सरसाइज आप घर जाके थोड़ी थोड़ी ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या वार्म अप जैसी एक्सरसाइजेस आप 15 दिन बाद से स्टार्ट कर सकते हैं, और 3 महीने बाद से आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज को और बढ़ा सकते हैं या मॉडरेट अमाउंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। तो कई बार जैसे अभी हमने बात की कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, नॉर्मली वजाइना जो होता है वो इतना सा होता है, इट इज लाइक दिस ओनली, एंड बेबी का हेड होता है इतना बड़ा, तो वो जब बेबी का हेड उस वजाइनल ओपनिंग से डिलीवर होता है तो यू कैन सी हाउ मच इट इज स्ट्रेच्ड, और स्ट्रेच होने की वजह से आसपास की जो मसल्स है वो भी बहुत स्ट्रेच हो जाती है, तो उस वजह से जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस में हम बाद में जो देखते हैं कि वो सपोर्ट सिस्टम जो पेल्विक फ्लोर सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा हद तक स्ट्रेच होता है और टियर भी होता है, तो इसके लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स कई महिलाओं में जिस हम देखते हैं कि जिनमें कि सेम नहीं रहता है, सेम क्या नहीं रहता है कि उनका यूरिनरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। कई पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि आई डोंट फील द सेम एनी मोर, मतलब कि जब वो रिलेशनशिप बनाते हैं तो उन्हें कुछ सेंसेशन फील नहीं होता है या ऑर्गेजम में प्रॉब्लम होती है। कई पेशेंट्स आते हैं जो कि बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद उन्हें थोड़ी यूरिन लीक होने की प्रॉब्लम हो रही है आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पेल्विक फ्लोर, इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, आपका डाइट अच्छा है, प्रोटीन इंटेक अच्छा है, तो आपको पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद का टाइम निकाले अपने लिए, कुछ एक्सरसाइज या कुछ म्यूजिक सुने या कुछ अपना एक जो भी आपका एक रिलैक्सेशन टाइम आप 10 मिनट 1 घंटे का रखें, और साथ साथ में अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट लें, उन्हें भी इन्वॉल्व करें, ना कि उन्हें एक अलग कमरे में या ऐसे कुछ कि माँ और बच्चे को एक साथ दे दिया जाता है कि नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट लाइक दैट। कि अब आजकल के जमाने में न्यूक्लियर फैमिलीज भी बहुत हो गई हैं जिनमें कि हस्बैंड वाइफ को ही ध्यान देना पड़ता है, और उसमें हस्बैंड मेक्स अ बिग कंट्रीब्यूशन इन टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बेबी आल्सो, तो ये आपकी बॉन्डिंग बच्चे के साथ भी बढ़ाता है और अपने हस्बैंड के साथ भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट। सो अभी जैसे हमने बात की कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सी दिस इज द यूट्रस, ये इतना ही होता है एक्चुअल में, इट इज लाइक दिस ओनली, इट इज जस्ट अ आपका जो मुट्ठी है या उतना ही होता है, पर आप देखेंगे तो इट इज सो ह्यूज एट द टाइम ऑफ 9 मंथ्स, और जो वो फिर रिग्रेस होता है 6 वीक्स में, जो हम डिलीवरी के बाद बोलते हैं जापा या कन्फाइनमेंट बोलते हैं, कि 6 वीक्स का एक टाइम होता है कि जिसमें वो सारे चेंजेस नॉर्मल की तरफ आते हैं, तो नॉर्मल की तरफ आते आते अगर आपका पहले से कोई हाई रिस्क फैक्टर है या आपने आपका पेल्विक फ्लोर मसल वीक है या कुछ इंजुरी हुआ है या ओवर स्ट्रेचिंग हुआ है, ट्विन्स है या कुछ भी एक हाई रिस्क फैक्टर है, वजन ज्यादा है, तो इसमें यूरिन लीक होने की समस्या आ सकती है, जो कि अब इसको ठीक किया जा सकता है एक्सरसाइज के द्वारा। नेक्स्ट। और जो एस्थेटिक गायनेकोलॉजी के नाम से एक डिपार्टमेंट है जिसमें कि हम इसको ठीक कर सकते हैं वजाइनल टाइटनिंग के द्वारा, जिसमें कि वजाइनल लूजनिंग जो हुई है वो मसल टिश्यू को रिहैबिलिटेट करके या उसका कोलेजन टिश्यू को रीजनरेट करके इसे वापस से टाइट किया जा सकता है, और साथ साथ में ओ शॉट जैसे कि पीआरपी इंजेक्शंस के द्वारा आपका सेंसेशन है या ऑर्गेजम को फिर से रिजुविनेट किया जा सकता है। एंड नाउ पेशेंट्स आर कमिंग फॉर दिस एंड दे आर वेरी हैप्पी टू सी दिस कि वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम आफ्टर सो लॉन्ग सफरिंग्स, एंड नाउ दे आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस एंड दे आर वेरी हैप्पी टू
टू हैव देयर ऑर्गेजम बैक एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर हस्बैंड्स बैक एज एज दैट ऑफ एज द बिफोर. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड. थर्मीवा इज अ वेरी न्यू टेक्निक टू टाइटन द टिश्यूज, टाइटन द वजाइनल कैनाल. तो इसमें कोलेजन रीमॉडलिंग होता है एंड इससे सेंसेशन जो लूजनिंग होती है उस वजह से, जो वजाइनल लैक्सिटी हो जाती है उस वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. सो नाउ वी कैन विल डिस्कस अ स्टोरी अबाउट अनादर पेशेंट, जो कि प्रीति को बहुत ज्यादा चिंता थी कि वो कैसे अपने बेबी का ध्यान रखेगी. वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी और सिर्फ अपने बेबी के बारे में ही सोच रही थी. वो बहुत इरिटेबल हो गई थी और बहुत ज्यादा रोने लगी थी. उसे बहुत लो फील होता था एंड शी वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है. हमने तो ऐसा नहीं सोचा था कि ये लोग बोलते हैं कि जागना पड़ता है. तो जब प्रैक्टिकली इट इज एक्सपीरियंस्ड देन वी विल कम टू नो कि एक लॉन्ग स्ट्रेचिंग, एक हेल्दी स्लीप या एक साउंड स्लीप का इम्पोर्टेंस क्या होता है. अगर आपकी स्लीप अच्छे से नहीं होगी तो आपको बहुत सारी चीजों में दिक्कत होगी. नेक्स्ट. तो मेनी क्राइंग अप टू 85% ऑफ पेशेंट्स में पोस्टपार्टम ब्लूज हो सकते हैं कि उन्हें चिड़चिड़ापन हो सकता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, पर वो थोड़ी ही देर में ठीक हो जाते हैं. आप किसी से बात कर लो, मन हल्का हो जाएगा. आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और इसीलिए हमारे पास काउंसिलर्स भी हैं जो कि ऐसी कंडीशंस को हेल्प करते हैं उन्हें रिलीव करने के लिए. उन्हें रास्ते बताते हैं कि आप किसी की हेल्प ले सकते हो बेबी केयर के लिए एंड यू कैन हैव योर मी टाइम और अ साउंड स्लीप सो दैट यू विल फील रिलैक्स्ड एंड काम. तो अगर ये चीज बढ़ती है जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया या साइकोसिस हो गया तो ऐसे में बहुत ज्यादा हद तक ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड. पोस्टपार्टम साइकोसिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें कि पेशेंट फील्स लाइक कि शी डजंट वांट टू टेक केयर ऑफ अर बेबी या फिर वो सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ सकती है. तो दिस आर नोन एज रेड फ्लैग साइंस. अगर ऐसे कुछ भी आपको आपके आस पड़ोस में या ऐसे कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं यू शुड इमिजिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर और काउंसिलर और साइकोलॉजिस्ट, तो कि आपको काउंसिल कर सके, समझा सके कि इट इज वेरी ट्रांजिएंट फेज और वो बहुत सब जल्दी ठीक हो जाएगा और इसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. नेक्स्ट. देन कम्स आर कॉन्ट्रासेप्शन. आपने बहुत लोगों से सुना होगा, हम भी बहुत पेशेंट्स देखते हैं कि विद इन 1 ईयर दे कंसीव अगेन. और रजनी के साथ भी ऐसे ही हुआ. आफ्टर हर सेकेंड डिलीवरी विद इन 8 मंथ्स शी कंसीव एंड बिकॉज लैक्टेशनल अमेनोरिया, जैसे हम ब्लीडिंग अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं या नहीं आते हैं. स्टार्टिंग कैन वेरी अराउंड 6 वीक्स टू 8 वीक्स या कभी कभी 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स या 1 ईयर भी हो जाता है. तो ऐसे में अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करते हैं तो फिर से प्रेगनेंसी हो सकती है. रजनी के साथ भी वही हुआ कि शी गॉट प्रेग्नेंट एंड उनसे पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है. तो अब ऐसे में क्या करें. तो नेक्स्ट स्लाइड. ऐसे में कॉन्ट्रासेप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है. ब्रेस्ट फीडिंग हमारे बड़े बोलते हैं जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग इज अ इन इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव. सो इट्स वेरी ट्रू कि ब्रेस्ट फीडिंग से आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. इट हैज पॉजिटिव इफेक्ट्स आल्सो और उसे कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट रहता है बट वो बहुत शॉर्ट टर्म, मतलब 4 to 6 मंथ्स तक के. उसके बाद ओव्यूलेशन स्टार्ट कभी भी हो सकता है. सो यू कैन नॉट रिलाय जस्ट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग. यू हैव टू यूज सम प्रिकॉशंस लाइक पिल्स आती हैं जो कि स्पेसिफिकली हम आफ्टर डिलीवरी दे सकते हैं, इंजेक्शंस दे सकते हैं या इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लगा सकते हैं जिसमें कि हार्मोनल डिवाइसेस भी होते हैं.
या सिंपल कॉपर टी डिवाइसेस होते हैं तो वो लगा सकते हैं। आफ्टर 6 वीक्स वी कैन यूज दिस एट एनी टाइम। और अगर 6 वीक्स पे नहीं लगा सके या इमीडिएट डिलीवरी के बाद भी आजकल प्रमोट करते हैं कि अगर आप नेक्स्ट विजिट में ना आ पाए या नहीं हम उस बारे में बात कर पाए तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी और इमीडिएटली ड्यूरिंग द सिजेरियन वी कैन पुट कॉपर टी, सो दैट आपका एक जो आगे का टेंशन है वो कम हो जाए, या फिर ऑपरेशन है या फिर हस्बैंड का ऑपरेशन है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, ब्रेस्ट फीडिंग की। जैसे नेहा के केस में हुआ कि वो बीपी बढ़ने की वजह से प्रीटर्म डिलीवरी हुई एंड हर बेबी वाज लो बर्थ वेट ऑफ अराउंड 2.1 kg एंड उसे ऑक्सीजन में रखा गया, NICU में रखा गया। और उसने फिर एक दिन पूछा कि व्हाट इज कोलोस्ट्रम एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलोस्ट्रम। सो कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम में इट्स अ जो इनिशियली मिल्क सिक्रीट होता है, इट इज वेरी स्कैंटी एंड येलोइश, तो उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। एंड इट इज वेरी रिच, न्यूट्रिशनली रिच फॉर बेबी, प्रीटर्म बेबीज के लिए खास करके, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इम्यून डिफेंस फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे को अपनी प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए और उसकी न्यूट्रिशन के लिए, उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट। सो वी नीड टू नो कि ब्रेस्ट फीडिंग में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या डाइट लेना चाहिए, क्या पोजीशन में हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। और उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट। जैसे कि मदर और बेबी को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। आजकल के हमने देखा है कि मेनी मदर्स आर नॉट विलिंग टू ब्रेस्ट फीड द बेबी बिकॉज ऑफ देयर फियर्स की दे विल हैव लूजनिंग और सैगिंग ऑफ देयर ब्रेस्ट और दे विल लूज द शेप। सो इट इज नॉट लाइक दैट, वी हैव सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। सो देर आर मेनी मतलब अगर ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कराना है तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ और आप अच्छे से उस बारे में पढ़ ले कि एक प्रॉपर लैचिंग क्या होता है, कौन सी पोजीशन में हम ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, कौन सी बच्चे के लिए सही है कौन सी नहीं है। नेक्स्ट। तो जैसे ही पोजीशंस के बारे में बात करेंगे तो देर आर मेनी पोजीशंस, क्रेडल, क्रॉस क्रेडल या फुटबॉल या लेड बैक। तो क्रॉस क्रेडल या फुटबॉल मेथड्स सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं एंड देर वेरी इजी। अगर आप ब्रेस्ट पिलो यूज करते हैं तो आपको मिलता है एंड यू कैन मैनिपुलेट द निपल अकॉर्डिंग टू दैट एंड प्रॉपर लैचिंग हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आप बर्पिंग करा रहे हैं कि नहीं। बर्पिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बेबी का एयर जो भी अगर एक्सेस कुछ आ जाता है तो वो निकल जाए एंड इट शुड नॉट एस्पिरेट द मिल्क। एंड सो दिज आर वेरी माइन्यूट बट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि अगर आप और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो एक साइलेंट, एक अलग से कमरे में जाके कराएं और अपने मन में कोई विचार या कोई टेंशन ना पाले, एक लिक्विड इंटेक अच्छा रखें, अच्छा खाना खाएं ताकि बेबी को भी अच्छा पोषण मिले। नेक्स्ट। सो डाइट के बारे में जैसे अभी हमने बात की कि यू हैव टू हैव ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, जैसे हमारे यहाँ दलिया देते हैं, या अलग अलग तरह की चीजें हैं जैसे कि पपीता है, कच्चा पपीता है, नारियल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है। सो दिस आर वेरी हाई इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, वेरी हेल्दी फैट्स एंड हेल्दी कार्ब्स। और साथ साथ में हम फाइबर्स डाइट यू इसमें ऐड कर सकते हैं। जो लोग एग या नॉन वेज खाते हैं वो लोग वो भी ले सकते हैं, या वेजिटेबल ब्रॉथ या स्टॉक ले सकते हैं, बोन ब्रॉथ ले सकते हैं। तो यू कैन हैव फूड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये आपके यहाँ क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो मल्टीग्रेन होल ग्रेन इज द बेस्ट थिंग टू हैव मिल्क। और कई लोग लहसुन भी इसमें यूज कर सकते हैं ताकि आपका डाइजेशन भी अच्छा हो और मिल्क भी बढ़े। एवोकेडो है या फिर ड्राई फ्रूट्स है, नारियल है, दिस आर ऑल वेरी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग इंक्रीजिंग द ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट।
नाउ कम द कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो सकता है, कभी बेबी ने नहीं फीड किया या इनिशियली अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लैचिंग में या बेबी के हैबिट्स में आने के लिए, तो या फिर कभी कभी बेबी ज्यादा सक्कर लेता है तो क्रैक निपल्स हो सकते हैं, या कभी गठान हो सकती है तो उसमें इन्फेक्शन होकर एब्सेस हो सकता है. तो ऐसे कुछ कुछ माइनर से एलिमेंट्स आगे ब्रेस्ट फीडिंग में इश्यूज आ सकते हैं, तो कि वो आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं. मेन इज यू हैव टू रेगुलरली ब्रेस्ट फीड योर बेबी, डोंट अलाउ टू एनगॉर्ज इट, कलेक्ट एक्यूमुलेट इट इनसाइड द ब्रेस्ट, ताकि वो नहीं तो गठान हो जाती है एंड इन्फेक्ट हो सकती है, फीवर आ सकता है. तो ऐसे में आपको अर्ली कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने डॉक्टर से, एंड यू कैन टेक मेडिसिन टू अवॉइड इन्फेक्शंस. नेक्स्ट. सो मेनी पेशेंट्स आर कमिंग कि उनको लगता है कि हमारा मिल्क सप्लाई इसमें इनफ नहीं है. तो सबसे पहला है कि आपको अपना ध्यान रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा विचार नहीं करना है, कि सोचना नहीं है. सारा कुछ जो भी है, मिल्क प्रोडक्शन जो होता है हॉर्मोन प्रोलैक्टिन से होता है, एंड इट इज फ्रॉम द ब्रेन. सो ब्रेन अगर आपका सोचेगा कि मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो निगेटिव साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो आपका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है. यू हैव टू मेक अ बॉन्ड विथ योर बेबी, टेक इट इन योर टेक द बेबी इन योर लैप, उससे बात करो, उसको प्यार करो, तो वो जो सेंसेशन है, वो जो प्यार है, उससे आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. एंड डोंट थिंक दैट इट इज नॉट कमिंग. आप डाइट अच्छे से लो, लिक्विड अच्छे से लो, रेस्ट करो, अच्छे से नींद लो, जब बेबी सो जाए तो आप भी सो जाओ. ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज का ध्यान रखें. नेक्स्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट. अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको लगता है कि आप विल हैव नेक्स्ट सेशंस ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, प्लीज हमें मैसेज करिए आपको सेशन कैसा लगा. एंड अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कोई टॉपिक्स इंक्लूड करने चाहिए, आपको कोई टॉपिक्स के बारे में बात करनी है, तो हमें मैसेज करिए. वी विल इंक्लूड इन दिस सेशन. एंड देर आर हार्ड डेज इन मदरहुड, बट लुकिंग एट योर स्लीपिंग बेबी रिमाइंड यू वाई ऑल इट इज वर्थ इट. सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर आर फैमिलीज टू कम्प्लीट. एक माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने बेबी के केयर में पूरी फैमिली लगी रहती है. और ऐसे में ही एक मैंने कविता पढ़ी थी जो कि मैं आज आपको सुनाना चाहूंगी, कि जिसमें दिखता है इस जीवन का अक्स, वो ममता मही दर्पण है माँ. बच्चों की खुशियों के खातिर खुशी से करती जीवन अर्पण है माँ. कभी स्नेह की जिंदा मूरत तो कभी दया की सर्जन है माँ. कभी शिशु की सारी दुनिया तो कभी ईश्वर के दर्शन है माँ. रोते शिशु को भी सिखाती है हंसना, जीवन की पहली गुरु है माँ. करती शुरू है माँ उसकी बागबानी, माली है माँ. भरी हुई भावों से निरंतर भी, फिर भी क्रोध द्वेष से खाली है माँ. जो होती है निराशाओं की शाम कभी, तो आशाओं की भोर है माँ. हम सब अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं. हमें कोई भी चोट लगती है तो सबसे पहला वर्ड हमारे मुंह से निकलता है माँ. माँ और माँ की ममता, इसका कोई मोल नहीं है. और इसी ममतामयी पल को आपके जीवन में हम और भी खुशहाल बनाना चाहते हैं, और आपको ये सारी चीजें बता सकते हैं कि जो कि आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और अपना पोस्टपार्टम पीरियड हैप्पी कर सकते हैं. थैंक यू.